नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। बिग बुलेटिन के साथ आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाम। पूर्वांचल की सियासी जमीन राष्ट्रीय दलों के लिए अगर मुफीद है तो क्षेत्रीय राजनीति को भी भरपूर खुराक देती रही है। विकास यहां का सपना है और जातीय गुलबंदी यहां की सच्चाई है। यही वजह है कि सभी दलों के चाणक्य पूर्वांचल की राजनीति को साधने के लिए विकास की जमीन पर जातीय समीकरण के किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी का सूरज डूबा तो विधानसभा में फिर पूरी चमक के साथ उग नहीं सका। वहीं 2014 ने बीजेपी को उम्मीदों का पूरा फलक बीजेपी को पूरब ने दिखाया, लेकिन बीएसपी को क्या मिला? अगर गौर करें तो पूरब की जिन सीटों पर बीते 12 तारीख को चुनाव हुए, जिन सीटों पर 19 तारीख को चुनाव होने हैं, वहां 2009 में बीएसपी की स्थिति क्या थी और 2014 में क्या स्थिति रही? मायावती इससे भी कहीं ऊपर सोच रही होंगी। और वैसे होता यह कि मायावती पता नहीं क्या देख रही हैं, नहीं देख रही हैं इस चुनाव में, इसलिए मायावती को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगा है। क्यों गुस्सा आने लगा है आज करेंगे चर्चा। तो माया को गुस्सा क्यों आता है? पूर्वांचल की सियासी जमीन राष्ट्रीय दलों के लिए अगर मुफीद है तो क्षेत्रीय राजनीति को भी भरपूर खुराक देती रही है। विकास यहाँ का सपना ही है आज तक, और जातीय गुलबंदी यहाँ की सच्चाई। और यही वजह है कि दलों के चाणक्य पूर्वांचल की राजनीति को साधने के लिए विकास की जमीन पर जातीय समीकरण के किले में खूब सेंध वेंध लगाते रहते हैं, पूरी कोशिश करते रहते हैं। 2014 के नतीजे मायावती के लिए बड़े बुरे रहे थे, ये हम सबको पता है। पूर्वांचल में क्या हुआ था ये हम सब जानते हैं। तो फिर मायावती को अचानक इतना गुस्सा क्यों आने लगा है, और मौजूदा वक्त में मायावती कांग्रेस छोड़ एकाएक बीजेपी पर क्यों हमलावर हो रही है? इसका एक मतलब जातीय समीकरण भी हो सकता है, जो जातीय आधार है, जो जातीय जमीन है, इसके खिसकने का डर भी हो सकता है। और कुछ और वजह भी हो सकती है। थोड़ा पीछे के चुनावों को अगर देखें, बीएसपी के प्रदर्शन को देखें, 2007 में कुल सीटों का आधा बीएसपी ने पूर्वांचल से ही बटोरा था। हालांकि सरकार बनने के 2 साल बाद ही उसके लिए हालात यहाँ बदलने शुरू हो गए थे। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में ही पार्टी की विधानसभावार बढ़त लगभग आधी मान लें कम होकर 55 सीटों पर सिमट गई थी। माया ने इसके खतरे भांप लिए थे, डैमेज कंट्रोल की कवायद भी शुरू की। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मायावती ने अलग पूर्वांचल राज्य का दांव भी खेला, प्रस्ताव भी बढ़ा दिया, हालांकि हुआ गया कुछ नहीं। अभी मायावती क्यों नाराज हैं? बार बार मायावती को गुस्सा क्यों आ रहा है? बात बात में वो क्यों अचानक गुस्से में मीडिया के सामने आ रही हैं? एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नैया डूब रही है कि आरएसएस ने भी अब इनका ऐसा लगता है साथ छोड़ दिया है। जन विरोध को देखते हुए अब इनके स्वयं सेवक झोला लेकर चुनाव में हमें कहीं भी मेहनत करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो सुना आपने, बसपा सुप्रीमो मायावती के तेवर तल्ख हैं और बेहद आक्रामक मूड में मायावती दिख रही हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव का रण अपने अंतिम दौर में जा पहुंचा है और इस बार लोकसभा चुनाव के रण में माया गठबंधन कर दिल्ली की गद्दी का सपना संजो चुकी है। अब जब लोकसभा चुनाव की लड़ाई पूर्वांचल जा पहुंची है और अंतिम दौर का मतदान होना है, ऐसे में माया ने अपने सियासी हमलों का रुख कांग्रेस से बीजेपी की ओर मोड़ा है। जनता को बर्ग लाने के लिए देश ने अब तक कई नेताओं को सेवक, मुख्य सेवक, चाय वाला व चौकीदार आदि के रूप में देखा है, लेकिन अब देश को संविधान की सही कल्याणकारी मंशा के हिसाब से चलाने वाला शुद्ध पीएम चाहिए। पूर्वांचल में चुनाव मतलब आखिरी चोट, अभी नहीं तो फिर 5 साल तक का इंतजार करना होगा। वैसे भी पूर्वांचल में मोदी योगी सरीखे नेताओं की अग्नि परीक्षा है, लेकिन इन सब बातों से इतर माया का मूड अचानक बीजेपी को लेकर क्यों खराब है? इस बार आरएसएस ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी हार रही है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस बार चुनाव में पीएम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नैया डूब रही है, और वैसे भी जनता ने ऐसे दोहरे चरित्र वालों से बहुत धोखा खा लिया है, और अब आगे धोखा खाने वाली नहीं है,
जो हमें इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोगों का जो हमें रुख नजर आ रहा है, उनका जो जहन बदला हुआ नजर आ रहा है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले माया जुबानी तीर जहां कांग्रेस को लेकर छोटी थी, जिसमें यूपी में बने गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने की बात हो या फिर कुछ और, चुनावी पड़ाव के अंतिम दौर में पहुंच शायद माया को लगने लगा है कि मुस्लिम वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इस वोट को मुख्य रूप से कांग्रेस और सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में मायावती द्वारा कही गई वो बात भी याद आती है जब उन्होंने कहा था कि बसपा का वोट सपा को ट्रांसफर होता है, लेकिन सपा का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता। शायद बीजेपी पर माया के हमले उस चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं, ताकि वो बीजेपी और मोदी योगी को निशाने पर ले और जिस वोट बैंक का माया को न मिलने का डर है, वो चुनावी अंतिम पड़ाव पर बसपा को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो अचानक ये तलखी दिख रही है कांग्रेस को, हालांकि वो लंबे अरसे से कोस रही है, लेकिन बीजेपी को इतने आक्रामक तरीके से वो नहीं घेर रही है। अचानक बीजेपी के खिलाफ भी मायावती की आक्रामकता बढ़ी है। बीच में एक शगुफा भी किसी ने छोड़ रखा था कि चुनाव बाद हो सकता है कि मायावती बीजेपी के साथ ही खड़ी दिखें, तो इसका असर भी हो सकता है और भी कई वजहें हो सकती हैं। लेकिन इस तरह की आक्रामकता का मतलब क्या है? इतना गुस्सा मायावती को क्यों आ रहा है? क्या कहीं कुछ खिसकने का डर है, कुछ फिसल रहा है हाथों से? इस तरह का गुस्सा इसी स्थिति में आता है जब ये ऐसी कोई रिपोर्ट मिल गई हो कि हाँ कुछ तो खिसक रहा है, हाथों से कुछ तो फिसल रहा है। यूं ही इतना गुस्सा नहीं आता किसी नेता को। क्यों आ रहा है, क्यों इतनी नाराजगी है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल होगा चर्चा के लिए। भारतीय जनता पार्टी से अमित पुरी जी होंगे, सदभ जाफर जी प्रवक्ता कांग्रेस, केसी जैन साहब होंगे नेता समाजवादी पार्टी, और प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। लेकिन मायावती की जरा राजनीतिक जमीन को भी हम देख लें। मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित सियासत का सबसे बड़ा चेहरा है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। दलित सियासत का वो सबसे बड़ा चेहरा है और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि सूबे के दलित ने, जो बहुजन समाज जिसे कहा जाता है, उस बहुजन समाज ने मायावती पर भरोसा दिखाया भी। वो बहुजन समाज मायावती की ताकत बना भी और मायावती को एक सियासी ताकत उन्हीं गांव गिराओं के बहुजन समाज से मिली। मतलब साफ है कि मायावती सिर्फ एक दलित नेता नहीं है, सच ये है कि मायावती के साथ उत्तर प्रदेश का दलित समाज खड़ा दिखा है हर मौके पर। अमित पुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। केसी जैन साहब स्वागत है आपका, प्रमोद गोस्वामी जी का भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रमोद गोस्वामी जी से ही शुरू करते हैं। प्रमोद जी, अचानक मायावती जी इतनी आक्रामक क्यों हो गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रति? अभी कुछ दिन पहले तक यह आक्रामकता सिर्फ कांग्रेस के लिए थी, हमले वो भाजपा पर भी करती थी, तेवर ऐसे नहीं होते थे। अचानक ये तेवर, ये आक्रामकता आखिर क्यों? देखिए आशीष जी, असल में जो ये अलवर वाले कांड पर जो दलित के साथ, एक महिला के साथ, बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, जो उसके साथ रेप की घटना हुई, उस पर जो प्रधानमंत्री जी ने उनके दुखती रख पर जो हाथ रख दिया कि वो समर्थन वहां क्यों नहीं वापस ले रही हैं और दलितों के लिए वो इतनी हमदर्द हैं, तो फिर इस मामले पर वो उस सरकार भी चल रही है और उस समय उससे पहले कई दिन एक सप्ताह तक कोई अरेस्ट वगैरह नहीं हुई थी, तो उस पर वो जो उन्होंने इन पर एक बयान करके एक हमला किया, तो वो उनको लगा, तो देखा होगा कि उसके बाद से ही ये आक्रामक हुई, उन्होंने तत्काल ये रिएक्ट किया कि और जगह, चाहे वो कश्मीर में रहा हो, चाहे दो तीन जगह का जिक्र करते हुए कहा कि उनको ये चाहिए कि वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देते, तो उन्होंने उन पर ये हमला किया था। वो जो बार बार जो, और फिर उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब इस इशू को टेकअप किया और जब इस पर उन्होंने बयानबाजी देना शुरू किया, तो उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे दलित वोट बैंक पर हमारे प्रभावी असर पड़ जाए,
तो उसको लेके उन्होंने फिर जिस ढंग से एक लेके उनको के भाजपा की महिलाएं भी उनसे डरती हैं कि वो वहां ना जाएं वरना पता लगे हमारे पति भी हाथ से निकल जाएंगे, तो वो फिर उन्होंने एक व्यक्तिगत हमला करना शुरू कर दिया। तो ये विश्व द्रुप से एक चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब आखिरी चरण का ये केसी जैन साहब से, केसी जैन साहब से जवाब लेते हैं, उस गठबंधन में शामिल है। जैन साहब, कोई इंटरनल रिपोर्ट आ गई है क्या, दलित हाथ से फिसलते दिख रहे हैं क्या दलित वोट बैंक? नहीं नहीं, देखिए आशीष जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा मानेंगे नहीं, हो भी रहा होगा तो वो तो मैं जानता हूँ। नहीं नहीं, दर्शक भी जानते हैं। की बात या बैकवर्डों की बात या मुस्लिमों की बात या सवर्णों की बात, समाजवादी पार्टी तो ऐसी कोई बात नहीं करती। नहीं नहीं, और इतिहास समाजवादी पार्टी का जो देश के हालात है आशीष जी, जो देश के हालात है, जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के मुद्दों पे हो रहे हैं आप देख रहे हैं, और मेन मुद्दे बिल्कुल स्ट्रीम से गायब होते चले जा रहे हैं। आप देखिए ना, किसानों की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी, ना किसानों की आत्महत्या की बात कर रही है। जिस मुद्दे पर हम आज बैठे हैं उसकी चर्चा कर ले, मायावती जी 80 लाख रुपए से वापस लिया सरकार ने, जिस मुद्दे पर बैठे उसकी चर्चा अगर कर सके तो बेहतर। चली गई, अच्छा आम की खेती पर ही चर्चा कर ले, चर्चा हो रही है ना बेरोजगारी पे चर्चा। जैन साहब रुकिए, जिस मुद्दे पर आज बैठे आज उसी की चर्चा कर ले, या वही बता रहे हैं। नहीं, हिमालय पर ग्लेशियर में बड़ी तेजी में पिघल रहे हैं, वो चर्चा का विषय है। मुद्दों से भटका कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसका वोटर खिसक रहा है, इसलिए मायावती जी को गुस्सा आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है, एक मिनट रुकिए जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उसका वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए मायावती जी को गुस्सा आ रहा है। क्या जवाब है आपका? मायावती जी ने जो कहा, मायावती जी ने जो आरएसएस पे कहा, मैं उस पर बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कि आरएसएस अगर वहाँ आरएसएस अगर संघ छोड़ रहा है, संघ जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहा है, संघ ने स्वयं कई जगहों पे आकर के स्पष्ट रूप से, हमने मायावती जी के गुस्से के बारे में पूछा, संघ और बीजेपी किसको छोड़ रहे हैं, तो कोई डिबेट नहीं कर रहा है ना, ये फेल हुए हम इनका विरोध करेंगे। अमित पुरी जी के पास वजह है, देखिए इस तरह एक बात तो समझ में आ रही है कि हो सकता है कोई इंटरनल रिपोर्ट मिल गई हो कि भाई जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक खिसक रहा। अभी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो कभी अगड़े पिछड़े दलित सवर्ण की बात ही नहीं करते समाजवादी पार्टी, तो मुझे लगा कि जैन साहब को मैं कह दूं कि साहब हम एक सीरियस डिबेट में बैठे हैं, ये कोई कॉमेडी शो नहीं है। अब ऐसी बात कोई राजनेता करे कि हम जात धर्म की बात नहीं करते, तो एक कॉमेडी शो में कर सकता है ना, सीरियस में कैसे बोल सकता है सर? जात धर्म ना करे तो राजनीति ही क्यों करे, फिर कुछ और कर लेता। जात धर्म की बात नहीं करते, ये बात राजनेता बोल रहे हैं, एकदम कॉमेडी शो बना देते हैं नेता लोग बैठ के हर डिबेट को। साहब तो मायावती जी अचानक इतना बीजेपी के खिलाफ क्यों नाराज हो गई अमित पुरी साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं बताता हूं, आप जानते हैं कि, और मैं भी व्यक्तिगत जानकारी रखता हूं कि मायावती जी भाषण जरूर लिख के लाती है, लेकिन भाषण उनका कोई दूसरा नहीं लिखता, वो खुद भाषण अपना लिखती हैं और बहुत मेट्रिकुलसली लिखती हैं। अच्छा, वो खुद लिखती और दुनिया से भले ही बताएं कि टीवी ना देखो, लेकिन वो खुद व्यक्तिगत रूप से हर चैनल्स को मॉनिटर करते हुए एक एक डेवलपमेंट पे उनकी निगाह रहती है। ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और मैं किसी विरोध में नहीं कह रहा, एक अच्छे सेंस में कह रहा हूं। अच्छी बात है। हाँ। तो इसका सबब यह है कि मायावती जी कोई चीज यूं ही नहीं करती, वेल थॉट ऑफ स्ट्रेटजी के तहत काम करती है, और ये पूरा का पूरा जो भाषण है ये दो या तीन प्रोन है। एक तो काडर को मोटिवेट करना और कंसोलिडेशन ऑफ वोट बैंक करना, यानी उनका परंपरागत जो वोट बैंक है उसका कंसोलिडेशन करना, और उत्तर प्रदेश में एक और वोट बैंक पे जो निगाह कांग्रेस और उनके बीच में चल रही है लगातार, उस पर्टिकुलर वोट बैंक के ऊपर भी इस आखिरी चरण में निगाह के तहत यह काम किया गया। अल्पसंख्यक वोट बैंक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप आइए कि मायावती जी कहती है कि आरएसएस के लोगों ने साथ छोड़ दिया, ये वो जो भी कहती है, तो भाई मुझे नहीं, मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता ना वैलिडेट करता हूं, मुझे तो एक चीज लगती है, क्या नागपुर से मायावती जी के तार कुछ जुड़ गए हैं क्या? और अगर जुड़े हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अभी तक वो बता रही थी सपा के लोगों को कि बसपा से सीखो। अब सपा को सीखना होगा कि बीच चुनाव के अंतिम चरण में उनको ये इन्फॉर्मेशन कि झोले वाले निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, कहां पैक है, कहां खुले,
तो इसका मतलब कहीं राब्ता कमेटी कायम है भाईचारा कमेटी के साथ साथ, और अगर राब्ता कमेटी कायम है तो समाजवादी पार्टी को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन यह है कि जो 2014 में दोनों के वोट का जोड़ था उससे करीब 10% वोट उनका गठबंधन का रिमूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके डायमेंशंस अलग है, एक 37 सीटों पे लड़ा है, दूसरा 38 पे लड़ रहा है, दो उनके लिए छोड़ दी जिन्हें महाभ्रष्ट कहा था, उनके लिए छोड़ी है। अब ये छोड़ने और छेड़ने के खेल में वोट बैंक छिड़ गया है और वो वोट बैंक ही अब चिंता का सबब बन गया। ठीक है, आप बताइए, इसलिए ये सारी बातें निकल रही। सदफ जाफर जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अभी कुछ दिनों के आप भाषण उठाइए बीएसपी सुप्रीमो के, पिछले 8-10 दिनों में जो बदलाव मैं देख रहा हूं, बड़ा आक्रामक हो गई है बीजेपी के खिलाफ। पहले भी होती थी लेकिन कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रहती थी, बीजेपी के प्रति थोड़ी नरमी दिखा देती थी, अभी अचानक बहुत आक्रामक हो गई है। तो एक जो हम जैसे अनगढ़ अनपढ़ छोटे मोटे लोगों के समझ में बात आती हुई यही आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी कोई रिपोर्ट मिल गई है कि जो कोर वोट बैंक है वो खिसक रहा है, इसीलिए इतना गुस्से में है वो। देखिए, जहां तक बीजेपी के तरफ का वोट बैंक की अगर बात करें, वोट बैंक खिसकेगा तो बीजेपी में तो डेफिनेटली नहीं जा रहा है, क्योंकि जो हालात रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जो हालात है, मैंने पिछले हफ्ते लगातार दौरे किए थे गांव में और हम देख रहे थे कि आवारा मवेशी, मनरेगा खत्म करना, वृद्धा पेंशन खत्म करना, वो सारी चीजें मैं उसी पे बात कर रही हूँ, मैं उसी पे ऐसे मैं कहीं डिविएट नहीं कर रही हूँ, रुक जाइए। हाँ। मुझे अंदाजा है कि मुझे क्या कहना है। तो जो वो है दलित वोट बैंक है या उनका अपना जो वोट बैंक है वो कहीं से बीजेपी में नहीं जा रहा है, तो ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि जैसे हालात बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी बिल्कुल कम्प्लीटली बहुत बुरी तरह से मुंह की खाने वाली है। तो इसलिए जुमलेबाजी और बड़ी बड़ी कविता वाली बातें करना अपनी जगह होती है, लेकिन वेन इट कम्स टू ग्राउंड रियलिटी, जब खेत खलियान किसान खड़ंजा नाली की बात करेंगे, बीजेपी का हो रहा है और गुस्सा मायावती को आ रहा है, कैसे हम इसको कनेक्ट करें? मायावती को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उनको जब नरेंद्र मोदी जी मंच पर से एक भोली भाली बेवकूफ महिला बताने की कोशिश करते हैं जिनको सपा कांग्रेस उल्लू बना रही है, तो नेचुरल है कि क्योंकि वो बहुत परिपक्व राजनीतिज्ञ है, वो बहुत ही समझदार महिला है जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को बहुत अच्छे से संभाला और देश की राजनीति में उनकी जो है वो बहुत अच्छी दखल है। ठीक है, चलिए एक ब्रेक तो का वक्त हो गया, एक ठीक है फिर आएंगे, जाफर साहब फिर आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जल्दी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, प्रमोद गोस्वामी जी के पास आएंगे। प्रमोद गोस्वामी जी भाई, दो जवाब हमने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जो जवाब आया वो ये आया कि बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है। मैं बड़ा हैरान हूं कि बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है तो मायावती को गुस्सा क्यों आएगा, इसका क्या कनेक्शन है? अतुल जी, इसमें बीजेपी का जनाधार खिसकने की तो कोई बात समझ में आती नहीं है, ऐसा तो कुछ मुझे तो नजर नहीं आता, लेकिन वो खाली चूंकि इस समय जो समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक मजबूत गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी भारी चुनौती है, हल्की फुल्की चुनौती नहीं है, तो वो चूंकि वहां घटना हो गई उसके बाद उस दलित महिला के साथ, तो उसको प्रधानमंत्री जी ने लेके जिस ढंग से ये बात कही और उन्होंने एक लॉजिकल ये बात रखी कि भाई दलितों की आप नेता हैं, दलित महिला के बच्ची के साथ लड़की के साथ ये सब घटनाक्रम रेप हुआ, तो फिर आपने एक भी बयान तब तक नहीं दिया और आप ना ही उससे अगर आप दलित के प्रति हमदर्द हैं तो क्यों नहीं आप समर्थन वापस लेती हैं, राजस्थान में आप समर्थन भी दे रही हैं। वो जो हमला करके दलितों में ये संदेश देने की एक कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने की वो नागवार गुजरी और वो स्वाभाविक भी थी कि वो तत्काल उसको काउंटर करें। और उसके बाद असित जी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने डिबेट्स में फिर हम मायावती उसी के कड़ी में जोड़ते हुए मायावती और उनके भाई आनंद के ऊपर भ्रष्टाचार के और करोड़ों और खरबों रुपए के
भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए या वो किया तो उससे उनका तिलमिलाना स्वाभाविक था। और उसी के काउंटर में जिस ढंग से उन्होंने कहा कि संघ के लोग अब जो है वो बाहर नहीं आ रहे, उन्होंने मोदी जी को तना छोड़ दिया है, तो वो उन्होंने उसी का सीधा सीधा काउंटर करके कहा कि दलित हमको नहीं छोड़ रहा, तुम्हारे लोग तुमको छोड़ रहे हैं, ये एक संदेश देने की कोशिश की जैसा मैं समझता हूँ। केसी जैन साहब, एक और बात बीच में आई थी, हालांकि ये पुष्ट बात नहीं है, वो जैसे आपके यहाँ लखनऊ में कहते हैं ना चंडू खाने की गब्बाजी, तो उसी तरह की कुछ गब्बाजियां हैं, हवाबाजियां भी चल रही हैं बहुत ज्यादा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम वोट हैं वो समाजवादी पार्टी को तो जा रहे हैं लेकिन बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, इसलिए भी मायावती जी थोड़ी खफा है। देखिए असित जी, 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है उसमें 13 सीटों पर चुनाव होने हैं, और जो इन 13 सीटों पर पूर्वांचल में चुनाव होने हैं इनमें कहीं पर भी इस तरीके की ना तो कहीं पे कोई चर्चा है, ना कोई इस तरीके की बात है, और ना ये सच्चाई है। बात मुस्लिम वोटर या दलित वोटर की नहीं है, बात ये गठबंधन के बाद जो वोटर नहीं भी था, जो जिसने ना मायावती जी को वोट दिया था इसके पहले और ना तो समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, वो भी देख रहा है कि गठबंधन उभर करके सामने आ रहा है और बिना समाजवादी पार्टी बीएसपी के इस गठबंधन के समर्थन के कोई भी सरकार केंद्र में नहीं बन रही है। और जो जनता प्रताड़ित रही, तो जनता चाहे आप देखिए उत्तर प्रदेश में खास करके कि जिस प्रकार से चाहे शिक्षा मित्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ हो, चाहे अन्य नौकरियों के जो तमाम सारे घोटाले सामने आए उसमें विरोध किया हो नौजवानों ने, उसमें लाठीचार्ज हुआ हो, या किसानों पर 2 अक्टूबर को लाठीचार्ज हुआ हो, तो जो भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रताड़ित, अपने आप को पीड़ित, अपने आप को पा रहा था, उसने इस गठबंधन को चुरा, इसको वोट दे रहा है। तो ये इस तरीके के हाँ एक भ्रम जरूर भारतीय जनता पार्टी फैला रही है कि दलित जो है जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है वहां जो है दलित वोट नहीं दे रहा है, जहां बीएसपी का कैंडिडेट है वहां जो समाजवादी पार्टी का वोटर वो उनको वोट नहीं दे रहा है, तो ये भ्रम की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार फैलाई जा रही है, और इसको गठबंधन को साफ सुंदर की संख्या आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, उसको तोड़ने की कोशिश की गई, बताइए जनता भी परेशान है, मायावती भी परेशान है, और इस गठबंधन को एक बड़ी बड़क मिल रही है। पहले फिर मैं कहता हूँ, पुरी साहब क्यों भ्रम फैला रहे हैं आप लोग बताइए। अब बता रहे अभी मैं कांग्रेस के मित्र को भी सुन रहा था और समाजवादी पार्टी के साथी को भी सुन रहा था। कांग्रेस ने एक सर्टिफिकेशन अभी ताजा ताजा आपके चैनल पे जारी किया, बहुत अच्छे से मुख्यमंत्री का दायित्व तो मायावती जी संभाल रही थी। यह सर्टिफिकेशन आया हॉर्सेस माउथ से आया। उत्तर प्रदेश की स्मृति बहुत क्षीण नहीं है, अभी थोड़े दिनों पहले ही दीवारों पर देवरिया से दिल्ली तक नारा लिखा गया उत्तर प्रदेश 27 साल बेहाल। उस 27 साल में अच्छे से मुख्यमंत्री का दायित्व तो संभालने वाली मायावती जी का भी कार्यकाल था। अभी कांग्रेस की अपनी आंतरिक नीति है कि खाट से घाट तक पैराडाइम शिफ्ट होता है, प्रोस्पेक्टिव एलाइज बदल जाते हैं, लेकिन झूमर जो हुआ सो हुआ, जो लिखा सो लिखा, वही वाला मामला है। चलिए हाँ हाँ, लेकिन ये जो थ्रेडबेयर एनालिसिस हुई, संगोपांग विवेचन किया गया, इसी संगोपांग विवेचन में एक और महावाक्य भी आया कि जिसे गेम चेंजर बना के लाए थे उसी ने गेम ओवर होने की घोषणा कर दी, और गेम चेंजर ने कहा खाट से घाट तक की राजनीति के पैराडाइम शिफ्ट के बाद हम जीते ना जीते बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। तो वेल दैट रिमाइंड्स मी ऑफ 3 इडियट। उसके एक सीन में था रिजल्ट निकलने के बाद कि दोस्त अगर टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है, हम फेल हो जाए तो कम दुख होता है। तो अब ये जो सेडेस्टिक प्लेजर की राजनीति है, मोदी बैशिंग, बीजेपी पंचिंग और आरएसएस ऑब्सेशन की, वो जो कह रहे हैं कि विकास उसका कोर एजेंडा होगा कि सेडेस्टिक प्लेजर होगा, नहीं उनका जो आरोप था कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, इसका जवाब तो आपने दिया नहीं। चलिए ब्रेक का वक्त हो गया, आगे के बाद जवाब लेंगे। चलिए ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद सौरभ जाफर जी के पास आएंगे, फिर आपके पास आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, सौरभ जाफर जी के पास आएंगे। सौरभ जाफर जी, अभी एक बात इन्होंने केसी जैन साहब ने कही कि भाई लोग भ्रम फैला रहे हैं, भाजपा के लोग ये अफवाह फैला रहे हैं। भाई राजनीति की जितनी समझ हम सबको है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं कि राजनीति में नेताओं का श्रम भ्रम फैलाने के लिए ही होता है।
एक बीजेपी ही नहीं ये काम कर रही है, बाकी सब भी यही कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। आप लोग तो बहुत पहले से चुनाव देख रहे हैं भाई, सारा श्रम ही भ्रम के लिए होता है, तो कर रही है बीजेपी तो क्या गलत कर रही है। लेकिन इस चुनाव में मैडम भ्रम फैलाने की गुंजाइश, जी आप सॉरी आप क्वेश्चन हाँ, कर लीजिए पहले। एक जो बीच में बात आई थी, लोगों ने ये बात फैलाई थी कि हो सकता है चुनाव बाद मायावती बीजेपी के साथ खड़ी दिखे, ये भी एक भ्रम था, ये भी एक अफवाह फैलाई गई थी। कहीं इसके नुकसान का आकलन तो मायावती को नहीं हो गया और इसलिए मायावती अचानक कांग्रेस की तरफ से उन्होंने जो है अपनी आक्रामकता मोड़ दी है बीजेपी की तरफ? देखिए ऐसा है कि जो लगातार मायावती जी के लिए जो नरम दिखा रहे हैं मोदी जी एटीट्यूड, एक तरफ नरम एटीट्यूड दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ ईडी को छोड़ रखा है, एक तरफ से वो ये सबके साथ कर रहे हैं, ये मायावती जी के साथ ही नहीं कर रहे हैं, ममता बनर्जी के साथ भी कर रहे हैं, तो ये नेचुरल है कि भाई वो आक्रामक होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भ्रम फैलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा या और इनके लोगों के द्वारा, कई चीजें डायरेक्टली नहीं की जाती हैं कि वो मायावती जी जो है वो बीजेपी के पाले में 23 के बाद दिखाई देंगी, तो नेचुरल है कि वो अपने वोटर्स को वू करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए इस तरह की बात कहेंगी, आक्रामक होंगी। लेकिन आक्रामक होने के और भी रीजंस हैं। अगर मोदी जी मायावती जी को बताएं कि उन्हें किस सरकार को समर्थन देना है कि नहीं, अगर मोदी जी ये बताएं कि वो कितनी मासूम और भोली भाली है और उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो नेचुरल है कि वो उनको उसी लहजे में जवाब देंगी कि पहले वो अपने आप को देख लें, अपने को देखें, अपने सहयोगी दलों को देखें जो उनको गाली दे दे के भी सुबह चिराग पासवान कुछ और ट्वीट करते हैं और शाम नोटबंदी के ऊपर सवाल उठाते हैं, शाम को सीटें फाइनलाइज हो जाती हैं तो ऑल इज वेल कहते हैं, शिवसेना लगातार कोसती है, उसके बाद चीजें जब सीट के ऊपर फाइनलाइज हो जाती हैं तो ऑल इज वेल हो जाता है। तो पहले वो राजभर जी ने जो हशर किया इनका और अल्टीमेटली जो है वो इनको रिजाइन करा उन्होंने, इनकी पार्टी के साथ समर्थन खत्म किया, तो ये पहले अपने को देखें उसके बाद मायावती जी पे तरस खाएं। वो वही बात आती है कि वो बहुत परिपक्व नेता हैं, वो बहुत अच्छी तरह से उन्हें पता है कि राजनीति कैसे की जाती है, अपने वोट बैंक को कैसे समेट के रखा जाता है, उनको समझाने की जब मोदी जी कोशिश करते हैं तो उसी लहजे में वो जवाब भी पाते हैं और मुझे नहीं लगता इसमें कोई हर्ज है। प्रमोद गोस्वामी जी अब बात समझ में आ गई कि वो जानती है कि अपने वोट बैंक को कैसे समेट के रखना है, मतलब वोट बैंक के बिखरने का खतरा था, है और वो इस खतरे को भांप गई हैं। गोस्वामी सर बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, ये बात मैंने शुरुआत में ही पहले ही ये बात कही थी कि इस मोदी जी के इस बयान को मायावती जी ने इसीलिए उस पर तीखी प्रतिक्रिया और जो क्रिया की जो तीखी प्रतिक्रिया दी है उसका कारण यही था कि कहीं उनके वोट बैंक को ये जो परसेप्शन, चूंकि राजनीति परसेप्शन का खेल ज्यादा होती है तो वो जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की उसका उन्होंने बहुत तीखे ढंग से और ये जवाब देने की कोशिश करी कि आप हमारे वोट बैंक पे हाथ रखने की कोशिश न करें या उसको भिदकाने की कोशिश न करें, इसीलिए वो मैंने महिला वाली बात जो कही थी वो उसी के रिएक्शन में थी कि भाजपा के लोग मोदी जी के पास जाते हैं तो उनकी पत्नियां घबराती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे भी छोड़ दें। अच्छा, तो ये जो तीखे बयान है वो सिर्फ वोटों को, अपने वोट को कंसोलिडेट करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए उसमें कहीं कोई डेंट मार दिया जाए या कहीं बिखराव पैदा ना कर दिया जाए, ये सिर्फ उसकी सोची समझी। और ये बात बिल्कुल सदर जी ठीक कह रही है कि वो बहुत परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनको आप कुछ बता दें और उनकी समझ में ना आए। और मायावती जी तो जो मैंने देखा है वो तो तत्काल बगैर एक मिनट खोए तत्काल क्विक रिएक्शन उनका होता है और वो उसके परिणाम जो भी हो उसकी वो परवाह नहीं करती, नहीं करती, लेकिन उनका रिएक्शन क्विक होता है। इस बात से मैं सतत जी की पूरी तरीके से सहमत हूँ। देखिए इस बात और ये को जो तो तेरह ये जो विशेष कि ये जो 13 के चुनाव 13 सीटों के लिए जो 19 तारीख को होने हैं यहाँ पर दलित वोट बैंकों का भी अपना महत्व है, तो कहीं ये 13 सीटों के मतदान पर इसका कोई असर न पड़े
इसलिए उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया की और वो भी पूर्वांचल में जाके, यहां भी के और गोरखपुर में उन्होंने जाकर ये संदेश देने की कोशिश की, मोदी जी को काउंटर करने की कोशिश की। दूसरी बात जो आप अभी एक आपने कही थी, जैन साहब ने कहा था कि मुस्लिम वोट बैंक, मुझे लगता है आशीष जी के मुस्लिम वोट, मुस्लिम लोगों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, वो कहीं किसी इस बार दुविधा में नहीं है कहीं भी किसी भी कीमत पर। ऐसा मैंने बहुत इधर दौरे भी किए हैं मैंने, तो उनका सोच बिल्कुल एकदम सीधा है, भारतीय जनता पार्टी को उनको रोकना है, कौन रोक रहा है वो उसके साथ जाएंगे। अगर कहीं उनके वालिद भी खड़े हैं तो वो उनको वोट नहीं देंगे, अगर वो नहीं हरा पा रहे तो वो दूसरी जगह दे देंगे। ये तक प्रतिक्रियाएं मुस्लिम समाज की रही हैं, हालांकि बड़ी तीखी है लेकिन ये उनकी स्पष्ट सोच है। उस वोट बैंक में तो कोई डेंट लगने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आपके पास आ रहा अमित पुरी जी, देखिये कांग्रेस की राजनीति बड़ी अच्छी लगती है मुझे। अभी देखिये सदफ जाफर जी बैठी है, अपने धुर विरोधी जो मायावती जी हर मंच से कांग्रेस को कोस रहे हैं, सुन पा रहे हैं पुरी साहब? बिल्कुल सुन रहा हूँ, आप बोलते रहे। हाँ, जो कांग्रेस, जो मायावती हर मंच से कांग्रेस को कोस रही हैं, उसी मायावती के बचाव में कितने अच्छे अच्छे तर्क सदफ जाफर जी यहाँ रख रही हैं, कितनी अच्छी राजनीति है बताइए। अपने धुर विरोधियों के लिए भी इतना बड़ा दिल है कांग्रेस के पास, सर भाजपा के पास नहीं होता है इतना बड़ा दिल विरोधियों के लिए। दोनों बातें एक साथ समेट देता हूँ, एक भ्रम की बात और एक दिल की बात। आता हूँ मैडम, अब आ रहा हूँ भ्रम पे, पहले आ रहा हूँ। आशीष जी आपने दिनों... बड़ी गहरी चोट की है। ना ना, अच्छा मैं कह लूं फिर आप कह लीजिए। अब ये जो भ्रम की स्थिति है जरा समझे, कांग्रेस महाभ्रष्ट है लेकिन दो सीटें उसके लिए छोड़ देंगे रायबरेली अमेठी, कांग्रेस महाभ्रष्ट है लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव बाद बिना मांगे समर्थन सेक्युलरिज्म के नाम पे दे आएंगे। फिर अलवर का कांड होगा, अगर उस पर सवाल उठेंगे तो आपकी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो भ्रम जो था उसको प्रधानमंत्री ने दूर किया है, भ्रम को फैलाया नहीं, नंबर एक। अब ये जो दिल की बात अभी चली कि कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। चुनाव से पहले हम मतलब बीएसपी का प्रवक्ता भी ऐसा पक्ष नहीं रख पाता जितना अच्छा पक्ष सदफ जाफर जी ने रखा, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सदर साहिबा माशाल्लाह बहुत जहीन है और अच्छी तरह से बात को रखती भी है। अब आइए, कांग्रेस चुनाव से पहले ये कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कि कांग्रेस अपना दिल बड़ा कर ले, तो मैं अक्सर कहता था कि राजनीति में एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी का एक पॉलिटिकल नया डिपार्टमेंट खुल गया है जिसमें दिल बड़ा करने के लिए, क्योंकि सामान्य तौर पे मेडिकल साइंस में दिल बड़ा हो जाए तो जरा दिक्कत हो जाती है, लेकिन राजनीति में दिल बड़ा करने के लिए कांग्रेस को तमाम तर बातें कही गई और उसी में दो सीटें इन्होंने और सात सीटें उन्होंने छोड़ी। लेकिन अब तो नया छह चरण बीतते बीतते ईवीएम दोषी हो गया, चुनाव आयोग दोषी हो गया और आज मुझे ममता जी का एक बयान सुनने को मिला कि अब मुझे राहुल जी को भी प्रधानमंत्री मानने में कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे जैसे वोट बैंक सिकड़ रहा है वैसे वैसे दिल्ली में लोगों का दिल बढ़ रहा है। चलिए जाफर साहब कुछ कहना चाहिए, मैडम बोलिए। सदफ जाफर, मैं आपको ये बोलूंगी कि जो दिल बड़ा होने की बात हो रही है, जैसे जैसे पिक्चर क्लियर हो रही है वैसे वैसे लोग जो है वो समर्थन में कांग्रेस के आ रहे हैं। इंदौर से बहुत खूबसूरत वीडियो सामने आया है असित, हाँ। कि प्रियंका वाड्रा जी की गाड़ी जा रही थी और हाँ, बच्चों ने चिढ़ाने के लिए सड़क के किनारे मोदी मोदी चिल्लाया, तो वो उतर के आई और उन लोगों से हाथ मिलाया और वो ऑल द बेस्ट कहते पाए गए और प्रियंका जी को और उनके साथ सेल्फी लेते हुए पाए गए। ये एक नई किस्म की राजनीति है। आगे की बात मुझसे सुन लीजिए सदफ जाफर जी, उससे आगे की बात जिन लोगों से उन्होंने हाथ मिलाए, हमने उनके बयान मंगवाए हैं, वो लोग कह रहे हैं प्रियंका बहुत ही अच्छी नेता हैं, हमें इनके बारे में जानकारी नहीं थी। जी वो तारीफ कर रहे हैं। तो बात ये है, हाँ बात ये है कि देखिए दिल बड़ा होना राजनीति में जरूरी है, तभी पता चलेगा कि उज्ज्वला गैस दोबारा रिफिल नहीं हो पाई। नहीं ये अच्छा है, बिजली नहीं आ रही है, मैंने ये कहा रोजगार नहीं हो रहा है, सदफ जाफर जी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो दिल बड़ा होना जरूरी है और बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, जो मायावती लगातार कांग्रेस को भ्रष्ट बता रही है, कोस रही है, उस कांग्रेस के नेता मायावती जी की पार्टी का पक्ष इस तरीके से रख रहे हैं, इसीलिए तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। राजनीति में दिल बड़ा होना चाहिए, नहीं है बसपा को, ये हमें शीर्ष नेतृत्व से मिलता है सीखने के लिए, वो हमें
अगर शीर्ष नेतृत्व पर्सनल गालियां देता है तो प्रवक्ता भी पर्सनल लेवल पर राजनीति एक दूसरे को जलील करने का जरिया नहीं होना चाहिए। नेतृत्व जो है जब शीर्ष नेतृत्व इज्जत देता है तो झक मार के कितना भी खराब प्रवक्ता हो उसको जो है वो अपने प्रतिद्वंदियों को इज्जत देना ही पड़ता है। ये भी बता दें, ये अच्छा हुआ कि अब बहुजन समाज पार्टी के लोग थोड़े आराम से रह सकते हैं, उन लोग उनकी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बाकी पार्टी में दूसरी पार्टियों में भी कई लोग हैं, इसलिए बीएसपी को अब बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका पक्ष आ जाता है। ऐसे भी ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, केसी जैन साहब के पास चलेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं केसी जैन साहब। ये भ्रम श्रम सारी बातें तो हो ही गई, लेकिन ये क्या ऐसा कोई इनपुट है कि भाई अल्पसंख्यक मतदाता कंफ्यूजन में हैं, उन्हें इस बात का डर है कि मायावती चुनाव के बाद बीएसपी के साथ जा सकती हैं और यही वजह है कि मायावती बहुत आक्रामक हो रही है बीजेपी के खिलाफ ताकि अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच का भ्रम खत्म कर सके? नहीं, देखिए असित जी, अभी आदरणीय गोस्वामी जी ने भी एक बात स्पष्ट रूप से कही, कहीं पे इस तरीके की स्थिति नहीं है कि जो है कहीं पे भी मुस्लिम मतदाता कहीं और जा रहा हो, और कहीं उसका एक उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं पे भी वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, उसको हटाना है। क्यों हटाना है, उसके भी कारण है। उसको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, तमाम सारे अनर्गल मुकदमे, फर्जी मुकदमे लगा के उनको लगातार जेल भेजा गया, और नेतृत्व की एक तरफ ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या उनको क्या आपके पास कोई एक मिनट, आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया जैन साहब, बहुत अच्छा पॉइंट मेरी बात सुन लीजिए जैन साहब, एक अच्छा पॉइंट उठाया है ना, इसलिए मैं उस पर आना चाहता हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि फर्जी मुकदमे करके जेल भेजा जा रहा है, क्या आपकी पार्टी ने इसके पीछे कोई होमवर्क किया है, कोई काम किया है? कितने अल्पसंख्यक जेल भेजे गए, किन किन जिलों में फर्जी मुकदमों में, क्या कोई है रिसर्च आप लोगों के पास, ऐसे ही बस हवा में कुछ? बिल्कुल बिल्कुल असित जी, जो हम लोगों के पास में, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आप भी जानते हैं कि मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, और हम लोगों के पास साथ में मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, हम लोगों के पास पीड़ित लोग आते हैं, और जिस तरीके की आपकी पार्टी ने इसके पीछे काम किया, मैं आपको बताऊँ, एक उदाहरण मैं कल का बताऊँ। कल एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसको पुलिस ने इसलिए प्रताड़ित किया, उसने ये नहीं बताया कि यहाँ पे जुआ कौन कौन खेलता है इस बाग में, वो आपकी बाग में रखवाली करता है, और उससे कहा गया कि आप बताइए यहाँ जुआ कौन कौन खेलता है, उसने कहा भैया मैं नाम नहीं जानता हूँ, कहा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख के मैं जेल भेज दूंगा। वो मेरे पास आया, हमने उसकी एप्लीकेशन लिखवा करके एसएसपी के वहां भिजवाई। पार्टी ने कोई काम किया जिन लोगों के आधार पर कि अगर आगे मोहम्मद लगा है तो अपराधी है, पर कोई काम करना नहीं है, यादव लगा है तो अपराधी है, ये हो रहा है। दूसरी बात ये, मेरी बात आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी, और हर एक जो चुनाव है राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने स्वर्गीय करकरे जी के बारे में, शहीद स्वर्गीय करकरे जी के बारे में क्या क्या कुछ कहा, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। अभी ये कह रहे थे कि जो है राष्ट्रवाद उनका कॉपीराइट है, वो करगिल में शहीदों के बारे में कुछ बोल दे, और उसके बाद इससे क्या मतलब, राष्ट्रवाद उनका कॉपीराइट है, और उसके बाद में जो है ये तारीफ कर रही मायावती जी की। पीडीपी के साथ गठबंधन करने की आपकी क्या मजबूरी थी, कौन से आपके स्वार्थ थे कि आप सत्ता में आसीन होने के लिए वहां पर इसने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, फिर उसके बाद 6000 पत्थरबाजों को छोड़ा, वो क्यों आपने छोड़ा? तो जो मुख्य चीजें हैं जिसको राष्ट्रवाद कहते हैं, 6000 पत्थरबाजों को छोड़ा। सुनिए ना जैन साहब, जैन साहब भाई, समाजवाद पर आप अगर कॉपीराइट का दावा करते हैं तो राष्ट्रवाद पर आप कॉपीराइट का दावा कर देते हैं, क्या हो गया? टिक रहा है ये, जिसको मुख्य मुद्दा कहते हैं उसे पे फेल साबित हो रहा है। जातिवादी राजनीति के पोषकों ने खुद को समाजवादी कहा, गठबंधन को कोसने के बजाय इनके पास कोई काम नहीं। ठीक, सदब जाफर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, गठबंधन को ठीक है, रुक जाए, सवालों के जवाब जैन साहब ने नहीं दिए, कोई पार्टी ने होमवर्क नहीं किया है, बस हवाबाजी है, ये फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेज रहे हैं। अरे भाई, आपकी पार्टी ने काम किया होता जिला स्तर पर, फर्जी मुकदमे में जेल भेजे गए लोगों की एक लिस्ट बनाई होती, सामने रखा होता, तो हम मानते कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं। टीवी चैनलों पर डिबेट के दौरान बड़े से बड़े आरोप, चलिए हम ओबामा पर ही कोई बड़ा आरोप लगा लेते हैं कि मेरे जेब से पैसे चुरा के ओबामा भाग गए थे, उनके पास अमेरिका जाने को पैसे नहीं थे। ये तो टीवी चैनलों में चला, कुछ नहीं है आप लोगों का होगा। चलिए जाफर साहब,
असित, मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत वो देती हूँ, और अगर आपको होगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको वीडियो भी दूंगी। बताइए, बहराइच में कम्युनल वायलेंस हुआ, मैं खुद गई थी वहाँ पर, और वहाँ पे उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज थे जो सऊदी अरब में पिछले 3 साल से नौकरी कर रहे हैं। हमें जाके बहराइच में SP से बात करनी पड़ी और वो मुकदमे हटवाने पड़े, और ये हकीकत है। सुबोध राय मार दिए जाते हैं, उनके खूनियों को पकड़ने के बजाय गौकशों को दौड़ा रही थी पुलिस। सुबोध सिंह, हाँ, नाबालिग बच्चों, ये आपके माध्यम से मैं कह रही हूँ, मैं हवाबाजी नहीं करती हूँ। जहाँ तक बात आती है काउ टेररिज्म के नाम पे किस तरीके से मारा गया है, अखलाक पहलू उमर खान अलवर में मजलूम अंसारी इम्तियाज खान 15 साल का था सिर्फ, झारखंड के रामगढ़ में, हाँ, है ना। तो ये क्या, ये कहानियां नहीं है, ये किस्से नहीं है, ये भ्रम नहीं है, ये हुआ है, और बीजेपी की सेंटर और स्टेट की सरकारों में हुआ है। भोपाल के पास भी, मध्य प्रदेश में भी हुआ है कि एक टेलर था जिसको पीट पीट के मार दिया गया। तो ये लगातार जो ये काउ विजिलेंटिज्म करना, हापुड़ में कासिम को मारा गया और पुलिस वहां पे खड़ी तमाशबीन रही, कासिम पानी मांगा। जाफर जी, ये कुछ घटनाएं हैं जो हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भाई जब रामगढ़ में वो मर्डरर जेल से बाहर आए तो देश का केंद्रीय मंत्री उन्हें माला पहना रहा था, पूरे देश ने देखा था, वो नहीं कह रहा। जो आरोप जैन साहब ने लगाए, सुनिए, जो आरोप, भाई विपक्ष में आप हैं, आपकी कोई भूमिका नहीं, आप जनता के बीच जाएंगे ही नहीं। अगर सरकार, मैं तो गई हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर सरकार के इशारे पर ऐसा कुछ हो रहा है तो विपक्ष का दायित्व था कि जिला स्तर पर इनके पार्टी के लोग रेड किए गए हैं। पुरुष मेल पुलिस द्वारा, एक भी फीमेल नहीं थी, और लोगों की मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूं, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, वो हम लोग भी जानते हैं सब खूब होता है। जिस राज्य में 3 महीने के बच्चे पर पुलिस गुंडा एक्ट लगा देती है, वहाँ कुछ भी संभव है ना। तो ये हशर जो किया गया है वो तो संभव है, मैं मानता हूँ आपकी बात सही है, तो ये लेकिन विपक्ष की भी एक भूमिका है ना। बस टीवी चैनल पर बैठ जाइए, फर्जी मुकदमों में जेल भेजा जा रहा है, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, आपके पास एक ऐसा पीड़ित नहीं है जिसको आप ला सकते। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को निकल के सामने आना पड़ा, कमीशन को कहना पड़ा कि फेक एनकाउंटर्स क्यों कर रही है सरकार। ठीक है, अमित पुरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। पुरी साहब, मैंने अभी प्रमोद जी को भी सुना और बाकी के पॉलिटिकल वॉइसेस को भी सुना। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं कि इस देश के अंदर जिसे आप मुसलमान कहकर के संबोधित करते हैं वो बीजेपी के खिलाफ उतारू होकर के बीजेपी के खिलाफ जो जीतने वाला है उसको मतदान करेंगे। चर्चा यहां ये भी चली कि फर्जी मुकदमे किए गए, कितना रिकॉर्ड था रिकॉर्ड नहीं था, वो एक अलग विषय, में उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन इस देश की अकलियत को मालूम है कि इस देश का प्रधानमंत्री जब देश के बाहर सऊदी अरेबिया जाता है तो अगर 850 के करीब कैदियों को छुड़ाने की बात होती है तो 95% कैदी उसमें अकलियत के हैं जो सऊदीया की जेल में सड़ रहे थे बेगुना। तो ये जो आदमी देश के बाहर बैनुल अक्वामी सतह पर यानी अक्रॉस दी वर्ल्ड अकलियतों के हित की और उनकी तरफदारी के लिए लड़ रहा हो उसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत देश की सीमाओं में अगर आरोपित किया जाएगा तो इसका जवाब मैं आज दूं कोई मतलब नहीं है। 23 तारीख को यह सारा भ्रम निकल जाएगा, बस एक ही वादा करके चले जाए कि ईवीएम पे दोष को नहीं देंगे। हेमंत करकरे के बारे में, हेमंत करकरे की शहादत के बारे में, हाँ आपने कह लिया मुझे उत्तर दे देने देना, एक मिनट अब शांत रहिए। चलिए, वो आज का विषय वो नहीं है, जहां हेमंत करकरे डिबेट कीजिए, वो इस दुनिया में नहीं है, शहादत के देश के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। प्रज्ञा ठाकुर के पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर हेमंत धन्यवाद आप लोग, अमित पुरी जी, सदब साहब, प्रमोद गोस्वामी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। हेमंत करकरे जी देश के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, ये पूरा देश जानता है। अब कोई एक अचानक आके खड़ा हो जाए और कहे वो देशद्रोही था और हम इतने अंधे लोग हो जाए कि उस एक के लिए, देश के लिए कुर्बान हुए किसी महान आत्मा को कोसने लगे, तो हम लोगों से ज्यादा गद्दार कोई नहीं होगा। एक शख्स इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, उसकी शहादत को सलाम है, उसका अपमान नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, नमस्कार।